कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा है कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार युवाओं में बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए उन्हें खेलों से जोड़ने के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की अनदेखी कर रही है। परिधि गृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में रामलाल ठाकुर ने कहा कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, जिस पर न केवल ग्रामीण क्षेत्र के युवा कस्बों की गतिविधियां संचालित करने की जिम्मेदारी है, बल्कि खेल गतिविधियों को ग्रामीण स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन जब विभाग के पास कोच ही नहीं होंगे तो न केवल खेलें प्रभावित होंगे बल्कि युवाओं को खेलों से जोड़ने के दावे भी खोखले साबित होंगे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में बने RNP रूल्स भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री रहते हुए कोचों की 50 सीटें क्रिएट की थी, जिनमें से मौजूदा समय में 44 पोस्ट खाली पड़ी है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रदेश में जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के 11 पोस्ट हैं, जिनमें से 7 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और जो 4 पोस्टें भरी भी हैं, उनमें भी एक ही इसकी योग्यता को पूरा करता है, जबकि अन्य जगहों पर जूनियर कोच को जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी का कार्यभार दिया गया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीनियर कोच की 13 पोस्टें हैं, जिनमें से 12 पोस्टें खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में 3 वर्ष के लिए जूनियर कोच अनुबंध पर रखे जाते हैं तथा इसके बाद नियमित होने के 10 वर्ष बाद वे सीनियर कोच बनते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में INS ट्रेंड कोच रखे जाने का प्रावधान है, लेकिन नौकरशाहों द्वारा 4 सप्ताह का रिफ्रेश कोर्स करने वालों को भी कोच नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री रहते हुए कुछ संशोधन किए थे तथा सुमन रावत को मंत्रिमंडल से मंजूरी दिलवाकर ज्वाइंट डायरेक्टर लगवाया था। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स का डायरेक्टर IAS को लगाया जाता है, जिन्हें खेलों की ज्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसे में प्रदेश में खेलों की हालत का अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। बतौर मंत्री रहते हुए मंडी के तारकेंद्र बैद्य को स्पोर्ट्स डायरेक्टर लगवाया था तथा उनके सेवानिवृत्त होते ही दोबारा से IAS को डायरेक्टर बनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री व युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री से संबंधित विभाग की सुत लेने की मांग की है ताकि युवाओं को खेलने के अवसर मिल सके। देखो, ऐसा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। सरकार चिंतित है कि आज की तारीख में जो नशाखोरी चली है या बच्चों में जो गलत आदतें आ रही हैं उसको कैसे रोका जाए, और उससे सीधा संबंध है हमारे युवा सेवाएं और खेल विभाग का। युवा सेवाएं खेल विभाग में अगर बच्चों को, नौजवानों को अगर उस तरफ को हम डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक तो उनकी जो है वो आने वाले भविष्य के लिए ठीक रहेगा, और जो ज़्यादा पैसा जो हेल्थ की तरफ को हेल्थ डिपार्टमेंट खर्च करता है उसमें भी कमी आएगी, ग्राउंड में बच्चा स्वस्थ रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में युवा सेवाएं और खेल विभाग का क्या हाल है, ये मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी, कि कृपया करके इस ओर देखें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आज की तारीख में जो जूनियर कोचेज हैं वो जूनियर कोचेज जो है वो 10 साल तक जो है उनको काम करना पड़ेगा, तब वो जूनियर कोचेज से सीनियर कोचेज बनेंगे। लेकिन 3 साल का पीरियड उनका जो है वो एडॉक का है कि उनकी एडॉक अपॉइंटमेंट होगी, और 3 साल होगी, 10 होगी, 13 साल हो गए, और वो जो जूनियर कोच है वो उसके बाद फिर 10 या 13 साल के बाद वो सीनियर कोच के लिए जो है वो अपने आप को लाइन में खड़ा करेगा, तब वो सीनियर कोच बन पाएगा। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, आपके 100 पोस्टें जो है वो जिन जूनियर कोचेज की जो है वो सेंक्शन है, 100 में से 44 पोस्टें खाली पड़ी हुई है, और बाकी जो है वो लगे हैं वो लोग लगा दिए हैं जिन्होंने 4-4 महीने की रिफ्रेशर कर रखा है। होना ही चाहिए कि जिन्होंने NIS कर रखी है वो लोग सिलेक्ट होने चाहिए, और जो स्पोर्ट्स के मैदान से आए हैं जिन्होंने 4 हफ्ते की करी, तो क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने 4 हफ्ते की, कुछ लोग थे जो ऑफिसर चाहते थे कि इनको लगाना है तो 4 हफ्ते के कोचिज एक है, और जो 2-2 साल की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं वो कोच जो है वो अलग है,
अब आप ये बता दें कि जब 4 हफ्ते का कोच जो है ना आपने लगा दिया, तो फिर क्या होगा, स्पोर्ट्स कहाँ जाएगी? स्पोर्ट्स में यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 11 पोस्टें जो है वो DYSO की है, इट्स ए गेस्टेड पोस्ट। DYSO की जो पोस्ट है आप ये लगा लें कि इसमें से 7 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। DYSO की पोस्ट के कोच का चार्ज जो है वो जूनियर कोचेज को दे रखा है, और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद भी जितनी आपकी फाइनेंशियल जो है पावर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर, ये सारी की सारी उन जूनियर कोचेज को दी जा रही है। और ये जो गेस्टेड पोस्ट है उसके अगेंस्ट जो है वो जूनियर कोचेज जो है वो काम कर रहे हैं। अब सीनियर कोचेज की पोस्टें जो है वो 13 है, एक कोच काम कर रहा है और 12 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। डिप्टी डायरेक्टर की 2 पोस्टें हैं, 2 में से 1 खाली पड़ी हुई है। ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट 1 है, वो 1 की 1 खाली पड़ी हुई है। कोई समय था कि भाई यहाँ पे इस पोस्ट को, जब से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, एक कोशिश हुई IAS ऑफिसरों के द्वारा कि ये उनके लिए रखी जाए, लेकिन उनका काम करने का क्या तरीका है? यहाँ पे तारकेंद्र वैद्य जैसे भी हमने डायरेक्टर बनाए थे जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनका अपना नाम था, सुमन रावत को भी हमने उस लाइन में खड़ा किया था, जो आज अगर देखा जाए सुमन रावत रिटायरमेंट के बाद भी एक दिन रही हो डायरेक्टर, रिटायरमेंट के बाद सुमन रावत के बिना जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चल नहीं रहा है, किसी को कोई पता नहीं है एक्सेप्ट सुमन रावत। तो सुमन रावत को आप 5 साल के लिए क्यों रख देते हो भाई, कर लो टर्म एंड कंडीशन, तो जो डिपार्टमेंट को चलाए उसको जो है ना आप काम दे दीजिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा मंत्री को भी, मंत्री जी अपने लेवल पे, आई नो इट इज़ ए नाइस फेलो, और मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा कि आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा, आज हो रहा है कोई, अगर मान लो अकाउंट्स का आदमी अगर कोई रिटायर हो गया, तो उसके बिना डिपार्टमेंट चल नहीं रहा है, चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को तैयार ही नहीं किया। कोई क्लर्क है मान लो, वो उस क्लर्क को पूछ के काम हो रहा है आज की तारीख में, क्योंकि बाकियों को मालूम ही नहीं। तो इसलिए मैं कहूँगा इस डिपार्टमेंट के बारे में सोचे, नहीं तो विधानसभा सेशन आ रहा है उसमें देखेंगे क्या करना है।